नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज कुछ 1 अप्रैल टाइप हो गया आप लोगों के साथ भी। जाने अनजाने में ही 10:30 का समय 11:15 का दिया गया, फिर 11, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सतीश जी, मनीष जी हम लोगों से अप्रैल फूल मना रहे हैं। तो चलिए इसे ही मान लिया जाए कि आज अप्रैल फूल ही है। लेकिन हम सनातनी तो इसमें विश्वास नहीं करते, फिर भी चूंकि दिनचर्या में जब आप दैनिक जीवन जीते हैं तो कहीं कोई व्यस्तता हो जाती है हमारी और हम सब की, तो इसीलिए कहीं आज थोड़ा व्यस्त था तो इंतजार की घड़ी खत्म होगी। लेकिन आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज तो कायदे से आप सबको लड्डू खिलाने का वायदा था। आप सब में से बड़ी संख्या में लोगों ने कहा, मनीष जी जिस दिन केजरी तिहार चला जाएगा उस दिन लड्डू खिलाएंगे। तो भाई ऑनलाइन लड्डू कैसे आएगा, तो लगता है लड्डू आप लोगों ने भेजा नहीं, तो विलंब इसी के लिए, सतीश जी इसीलिए विलंब कर रहे थे। तो अभी हम सतीश जी के साथ जुड़ेंगे और आनंद के साथ इस नैरेटिव को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस व्यक्ति ने अन्ना आंदोलन के माध्यम से इस देश के को एक नया सपना दिखाने की कोशिश की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो आज तिहार जेल गया, इसके मायने क्या है। और क्या सिर्फ ये दारू घोटाला है या केजरी ने इससे भी खतरनाक दवा घोटाला किया अपने खैरातियों के साथ मिलकर के, हम इसे समझेंगे। हम आज समझेंगे कि मोदी विश्व स्तर पर क्या कमाल कर रहे हैं और क्या तमाम लोग ये फेल होने के बाद क्या भारत में हिंदू आतंकवाद गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आज तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का सपना पूरा हो गया। आपको याद होगा बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, मनीष जी कभी ऐसा दिन आएगा कि केजरीवाल तिहार जेल जाएगा। पुलिस कस्टडी में तो था बहुत दिनों से और उसे लग रहा था कि पुलिस कस्टडी से ही हम मुक्ति पा लेंगे। आज धरती का सबसे ईमानदार जो कहता था कि यदि केजरीवाल बेईमान है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है, आज वो तिहाड़ी हो गया। सर मतलब कलंक का जो टीका है, जो हम लोग कहते थे, केजरीवाल आज तिहार जेल चला गया। उसके वकील ने कोई जमानत नहीं मांगी और ईडी ने पुलिस कस्टडी आगे नहीं मांगी। वैसे ईडी के पास 4 दिन और समय है, 4 दिन और ईडी रख सकती थी, लेकिन इस धूर्त ने मोबाइल का कहा, ईडी ने कहा कि हमारा 10 दिन जाया चला गया, तो हम 4 दिन बर्बाद नहीं कर सकते। अब ईडी इसके एप्पल मोबाइल का लॉक खोलेगी एक्सपर्ट से। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि यह दवा घोटाला से भी बड़ा, दारू घोटाला से बड़ा इसने दवा घोटाला किया हुआ है। इस केजरी के इस जेल जाने के क्या मायने हैं और दवा के बाद, दारू के बाद इस दवा घोटाले से देश को क्या मैसेज है इस केजरीवाल के तिहार जाने से। हाँ मनीष जी, संयोग से जिस दिन ये जेल गया है उसी दिन वो भी घोटाला सामने आया है, RTI के जरिए आया है, इसलिए उसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। इसकी सरकार ने जो RTI के उसमें जवाब दिया है उससे वो घोटाला सामने आया है। और ये मतलब वो बहुत शर्मनाक है। दारू वाला तो चलिए, दारू के प्रॉफिट उसने बढ़ा दिया, सरकार को नुकसान, खजाने को नुकसान पहुंचाया और कुछ लोगों को उसने फायदा पहुंचाया जिससे उसने सैकड़ों करोड़ों रुपए लिए। लेकिन मनीष जी ये अपने यहाँ जो सबसे खास बात दर्शक समझ ले कि, और ये जो इसका घोटाला सामने आया है उसमें एक बात और सामने आई है कि दिल्ली की मीडिया किस तरह से इसके हाथों नाचती थी कठपुतली की तरह और किस तरह से जनता की आंखों में धूल झोंकने में बराबर की साझेदार थी। ये कहा जा सकता है कि दवा के घोटाले में जो लूट इसने की उसमें दिल्ली की मीडिया इसका सबसे बड़ा हथियार बन गई। अब कैसे बन गई इसका जवाब तो उनको देना चाहिए कि वो जन आरोग्य कोष नाम की एक इसके यहाँ योजना चलती है कि उसमें लोगों का फ्री इलाज कराया जाता है। उसमें मनीष जी ये कि एक बार सिसोदिया आया, इसने कहा कि जन आरोग्य कोष योजना में अब तक करीब करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका, यानी 4 लाख से ज्यादा लोग लाभार्थी हैं। और इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी कि 1 लाख लोगों को उसका लाभ मिल चुका है, 1 लाख इसके लाभार्थी हैं और उसमें सरकार का 1,168 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ये इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार अपनी रिपोर्ट छाप रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में इसकी फोटो के साथ खबर छप रही थी सिसोदिया के साथ कि 4 लाख आदमी को इसका लाभ मिला है और सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं सरकार के। लेकिन एक आदमी ने जब RTI करके इसकी सरकार से पूरा डिटेल मांगा कि इस जन आरोग्य कोष
योजना जो है वो दिल्ली सरकार की, इसमें अब तक कितने लोगों को इसका फायदा मिला है और उसमें सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ है? तो मनीष जी, चौंकाने वाला जवाब, केजरीवाल की सरकार ने ही दिया, ये कोई भाजपा है, कोई दूसरे विपक्षी पार्टी का आरोप नहीं है। दिल्ली सरकार के करने जो आरटीआई के जवाब दिया कि पिछले 6 साल से, यानी 6 साल पे, जो पिछले 6 साल हैं 2017 से, समझिए 2017 से अब तक 6 साल में केवल 6,099 लोगों को इसका लाभ मिला है और सरकार ने उस पर केवल 66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं 6 साल में। और ये अभी कटिंग दिखा दीजिएगा, मैंने वो खबर इसीलिए लगाई है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कितनी बड़ी खबर छाप के, फोटो छाप के मनीष सिसोदिया की, इसका पूरा लंबा चौड़ा बयान छापा है कि देखिए दिल्ली में 4 लाख लोगों को जन आरोग्य कोष योजना का लाभ मिला। और असलियत यह है जो इसी की सरकार का जवाब आ रहा है कि केवल 6,099, यानी 6,000 मान लीजिए और 66 करोड़ रुपए खर्च हुए। हाँ मनीष जी, ये जरा ये 3 फोर 3 सबसे पहली वाली लगाई जो मनीष जी आरटीआई की खबर है वो दर्शक देख ले ताकि उनकी समझ में आ जाए। यहाँ जो आप इंडिया वाली खबर है कि आरटीआई रिवील्स ह्यूज डिस्क्रिपेंसी इन आप डेली आरोग्य कोष स्कीम बेनिफिशरीज इन थाउजेंड्स बट क्लेम्ड इन लाख्स, मिसिंग ट्रेल ऑफ 100 करोड़। ये अभी बताता हूँ मनीष जी कितना बड़ा घोटाला है, इससे लोगों की समझ में आ जाएगा कि कैसी लूट हुई है। और इसकी भी ये सीबीआई इंक्वायरी भारत सरकार को करानी चाहिए। ये तो मैंने खैर लिखा था इस पे, जी ये हाँ ये यहाँ जरा इसका ये दिखा दीजिए मनीष जी, मनीष सिसोदिया की कितनी बड़ी खबर, कितनी बड़ी फोटो के साथ छापी थी टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि ओवर 4 लाख बेनिफिट इन 5 ईयर्स फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये स्वास्थ्य मंत्री एक झूठ, सरासर झूठ बोल रहा था और उस झूठ को कितना महिमा मंडन करके टाइम्स ऑफ इंडिया छाप रहा था। इनके रिपोर्टर के घास चरने जाते हैं, इनको मालूम नहीं कि ये सच बोल रहा है कि सच है। क्या स्थिति है जिस योजना में 6 साल में केवल 6,000 लोगों को लाभ मिला और ये 4 लाख लोगों का दावा कर रहा था। और जरा दर्शकों से कहूंगा कि इस लूट का आंकड़ा आप समझिए कि आरटीआई से जो जवाब आया है उसमें 6,000 लोगों के इलाज में 6 साल में 66 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये सरकार जवाब दे रही है। तो जरा गौर करिए कि जहां इसने 4 लाख और 1 लाख इस तरह की संख्या बताई है, वहां इन लोगों ने कैसी लूट की होगी। और जो अब तक ये स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंधित दावे करते रहे थे वो कितने झूठे थे, मतलब झूठ को भी एक तरह से उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। ये उस सिद्धांत पे काम कर रहे थे कि झूठ ऐसा वालों को, लोगों को लगे कि यार इतना ज्यादा झूठ आदमी नहीं बोल सकता। 6,000 की संख्या को बढ़ाकर दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री 4 लाख बता रहा था। और शर्मनाक यह है कि ये अखबार जो है ये इनके हथियार बने हुए थे, इनके प्रचार का हथियार बने हुए थे, विज्ञापन की कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए की रकम पे ये इनका सच नहीं बता रहे थे। और आज तो पूरा सच पता चला मुझे। देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया कि सिर्फ दारू नहीं, मतलब दवा के साथ भी जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके साथ कितना अत्याचारी था। लेकिन आज तो सर इसने कमाल कर दिया। आज तो इसने मीठक मीठा जो है उसके भी कान खड़े कर दिए इसने। आज ईडी ने जो कोर्ट को बताया, जब केजरी के लिए ईडी ने कहा कि मैं पुलिस कस्टडी इसकी नहीं चाहिए, इसका 4 दिन और पुलिस कस्टडी ईडी रख सकती है। इस रूल के मुताबिक 14 दिन की मैक्सिमम पुलिस कस्टडी हो सकती है, मतलब ईडी कस्टडी हो सकती है। 10 दिन पूरी हो चुकी हुई है। हम ये उम्मीद हम लोग भी लगाए हुए थे कि और 4 दिन ले लेगी, लेकिन ईडी ने स्ट्रेटजी अपनाया और कोर्ट को कहा कि इस 10 दिन में इसने सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया है, कोई मदद नहीं कर रहा, ये अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहा, हमने अमेरिकन एप्पल कंपनी से हमने संपर्क किया है, इसलिए हमें अभी वर्तमान में इसकी कस्टडी नहीं चाहिए। तो इसके वकील ने जमानत भी नहीं मांगी क्योंकि पता है सुप्रीम कोर्ट तक से लठ बरस चुका है। हद ये हो गया सर कि इसने अतिसी मारलेना का नाम ले लिया, कहा कि इस खेल में अतिसी मारलेना मतलब मेरी कोई भूमिका नहीं है। जिसको केजरीवाल का बेटा कहा जा रहा था कि ये बेटा है केजरीवाल का, उसके बारे में आज केजरी ने कोर्ट मतलब ईडी ने कहा केजरी के सामने में कि ये रिपोर्ट करता था अतिसी मारलेना को और सौरभ भारद्वाज को। और आज तो एकदम से अतिसी को मिसेस केजरीवाल ने नौकरानी की तरह व्यवहार किया, जो वीडियो वायरल हो रहा है। मतलब क्या लग रहा है आपको कि केजरी ने जानबूझ करके तय किया है और कैलाश गहलोत की
ईडी कस्टडी हुई तो पता चला कि गहलोत के घर का इस्तेमाल किया जाता था शराब माफियाओं के लिए। मतलब जो शराब माफियाओं के लिए केजरी जो है वो गहलोत के घर का इस्तेमाल करता था और अतिशी मार लेना और इन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसका मतलब केजरी ने तैयारी कर ली कि पूरे गैंग को जेल भेज देगा। इंटरेस्टिंग सर एक और चीज है, जो 6 लोगों की लिस्ट दी गई है कि जेल में कौन मिल सकता है, उसमें ही अपने मंत्रिमंडल से किसी से नहीं मिलेगा। बीबी से मिलेगा, बेटा से, बेटी से, और वो जो इसका मीडिया एडवाइजर है उससे मिलेगा, और एक इसका कोई पुराना दोस्त है इससे मिलेगा। ये क्या मैसेज दे रहा है ये तो बड़ा चौंकाने वाला है। मैं जब लिस्ट देख रहा था तो मैं भी चौंक गया इस बात को लेकर के कि केजरी ने जो जो जेल में से होता है ना कि जेल में आप किस किस से मिल सकते हैं, जो इसने मिलने का जो देखिए कि जो लिस्ट जारी की है वो लिस्ट चौंकाने वाला है। मैं आपको लिस्ट जरा दिखा दूं तो देखिए कि किन किन से ये मिल रहा है। ये अपने आप में संदेश है कि आज भी लोग इसके साथ मूर्ख बन रहे। बड़ी खबर है, अतिशी और सौरभ भारद्वाज से जेल में मिलने से केजरी ने किया इनकार। जेल में जिन 6 लोगों से मिलेगा उसमें सुनीता केजरीवाल पत्नी है, हर्षित केजरीवाल बेटी है, पुलकित केजरीवाल बेटा है, विभव कुमार इसका पर्सनल सेक्रेटरी है, पीए। हम लोग जब अन्ना आंदोलन कवर कर सकते तो विभव से चिरौरी करना पड़ता था। मतलब आप मनीष सिसोदिया के माध्यम से केजरी से नहीं मिल सकते। असली इस विभव के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। संदीप पाठक आप आदमी पार्टी का नेता है और एक अन्य दोस्त। इसमें ना सिसोदिया, इसमें ना सौरभ भारद्वाज का नाम है सर, ना अतिशी मार लेना का, जो दोनों सपना देख रहे थे, नया नया सपना देख रहे थे सर। नहीं मनीष जी, मारलीना की पता नहीं उस दिन समझ में आया। ये तो 2-3-4 दिन पहले इसने तय कर दिया था, जिस दिन हम लोगों ने उसको डिबेट भी की थी कि जिस दिन इसने कोर्ट के अंदर ये बात कही, इसके जब हम उस पर हम लोगों ने पूरा चर्चा की थी कि कोर्ट के अंदर जब इसने कहा कि वो तो जो मनी ट्रेल का पैसा है वो तो गोवा के चुनाव में खर्च हो गया, और उसके बाद वो बिल्कुल सामने आ गया था कि गोवा चुनाव की प्रभारी मार लेना थी। तो हम लोगों ने उसी दिन कहा था कि मार लेना को जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि गवाह खुद तो केजरी बन गया। केजरी के वकील ने बात कोर्ट में कही है। आज उसने और खुलकर नाम ले लिया कि तो इंचार्ज तो वो थी नायर, उससे मिलता था। तो फिलहाल उसने केजरी के लिए तो केजरी ने मार लेना के लिए तो दरवाजे खोल दिए हैं। अब उसका जेल जाना तय है। वो एक कल भी हम लोग ये बात कर रहे थे 10-15 दिन में जब भी आएगी, आज एकदम कर दिया। तो मेरे ख्याल से अब अगले ही छापेमारी या अगली गिरफ्तारी जो ईडी करेगी शराब घोटाले में, उसमें सबसे पहले मारलीना ही जाएगी। और आज मारलीना ने बड़ा सनसनीखेज दावा भी किया है कि कल वो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बड़ा खुलासा करने वाली है। तो अब ये अभी ये भी एक मतलब सस्पेंस उसने क्रिएट कर दिया है कि वो बड़ा खुलासा करने क्या वाली है। वो केजरी के बचाव में करेगी या अपने को जेल जाता हुआ देखकर वो कुछ ऐसा खुलासा करने वाली है जिससे केजरी का जेल जाना बिल्कुल पक्का हो जाए, सालों में बाहर रहा है और वो अपने आप को बचाए। क्योंकि अब मारलीना उसी सूरत में बच सकती है जेल जाने से, ईडी के हिरासत से, ईडी की गिरफ्तारी से, जब वो सच बोल दे कि वो पैसा गया का। क्योंकि ये तो देखिए तय है कि वो पैसा मारलीना ने तो नहीं लिया, वो एक उसका हथियार थे इस्तेमाल कर रहा था वो, तो वो पैसा तो केजरी को किसने दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया, कहाँ गया, ये सब मारलीना को मालूम होगा। तो मारलीना इसी सूरत में बच सकती कि वो सच बोल दे, और उसके अलावा अगर उसने कोई उलूल जुलूल आके बका तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसको कल जेल जाना है तो कल 10 बजे की प्रतीक्षा हम लोग करें, लेकिन फिलहाल मारलीना को तिहाड़ में अब जाना है। और मेरे ख्याल से पूरी टीम जो केजरी की है वो तिहाड़ में ही बैठक किया करेगी। सवाल यह है कि मनीष जी अपना इस्तीफा कब देगा, इस्तीफा कब देगा या विजय नायर को लेकर के जब एक चीज साफ हो गई कि इस पे सबसे बड़ा बिचौलिया था विजय नायर भी इधर का पैसा लेता था, साउथ लॉबी का दलाल था। विजय नायर के लिए साफ हो गया कि केजरी ने कहा था कि विजय नायर मेरे लिए बेटा की तरह है, इसलिए विजय नायर जो बात कहता है वो मान लो। हर पैसा विजय नायर के पास आता था, तो इसका मतलब इतने दिन से जो कह रहा था कुछ नहीं मिला जी, इसकी बीबी भी करे, एक पैसा भी नहीं मिला जी, इसका मतलब इन लोगों ने मान लिया है कि करोड़ों का माल पाया। इस केजरी को क्या जरूरत थी सर ये कहने की, क्योंकि ईडी ने पूरे दस्तावेज दिए हैं कोर्ट के सामने में, और वो जो आप और हम जानते हैं, पूरे व्यूवर्स हमारे जानते हैं अब कि ईडी का जो बयान होता है वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होता है, मतलब वो सीबीआई और दूसरे सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है। उसमें इसने स्वीकार किया कि मेरा विजय नायर से कोई रिश्ता नहीं था, अतिशी मार लेना और सौरभ को रिपोर्ट करते थे, ये जो गहलोत है उसके घर पर मतलब विजय नायर के ठहरने रहने की व्यवस्था
अशोक के ये गहलोत जो उसका है मंत्री जो है, जो जेल जिसको कल सब समन हुआ था, उसके घर पे ये रहता था विजय नायर, मतलब उसी के कम दो कमरे जो विजय नायर यूज करता था, और केजरीवाल के घर को ऑफिस के रूप में। ये पूरे फैक्ट सामने आने के बाद भी इसने क्यों फंसाया है तीसी मारलेना को और उस आपके उस मीठे को? नहीं मनीष जी देखिए, अब ये हताशा में कर रहा है, क्योंकि ये इसको भी मालूम है कि मेरा बचना असंभव है। और जो बात ये कह रहा है, जो बात इसने एजेंसी से कही है, जो छन करा रही है, रिपोर्टिंग जो हो रही है, कि इसने कहा कि मैं विजय नायर को नहीं जानता था, ये मूर्ख है। मतलब ये मैंने कहा ना कि हताशा में इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कह रहे पिछले 6 साल के रिकॉर्ड होंगे मनीष जी, कि इसकी विजय नायर से फोन पर कितनी बार बातचीत हुई, फोन का ये पासवर्ड नहीं दे रहा है, तो फोन के अंदर का तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन इसके उस सिम इसके सिम कार्ड से, वो विजय नायर के सिम कार्ड से पिछले 6 साल में 1,000 बार बात हुई, 1,500 बार बात हुई, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। क्योंकि ये तो इन्होंने जो सतर्कता बरतनी शुरू की होगी, तो वो तो शराब घोटाला जब 2022-23 आया तब इन्होंने शुरू की होगी, उससे पहले तो लगातार बतियाता होगा। इसके घर के पीछे इसने बिल्कुल अशोक गहलोत का जो मंत्री निवास था उसको दे रखा था, तो खूब एक नहीं 1,000 एविडेंस ईडी प्रस्तुत कर देगी कोर्ट के अंदर कि केजरीवाल विजय नायर को जानता नहीं था, केजरीवाल और विजय नायर एक सिक्के के दो पहलू हैं इस लूट के संदर्भ में। तो अब वो जो उसने कोर्ट के अंदर जो बयान दिया है, वो एक तरह से अपने डूबते को तिनके का सहारा या आखिरी उसकी कोशिश है कि किसी तरह से अपना मैला जो है हम उठाकर आतिशी मर्दीना सौरभ भारद्वाज पे डाल दें। बड़ा निर्मम और निर्मोही आदमी है, और इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन शहीद हो गया, ये कई लोगों को बलिदान कर चुका है। सबसे पहले अन्ना से उसने शुरुआत की थी, और उसके बाद प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशुतोष, एक लंबी सूची है, तो उसमें ये दो नाम और जुड़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब असलियत तो मनीष जी एक और आदमी कह जा है कि वो तो ना तो आ रहा है ना बोल रहा है, वो राघव चड्ढा, वो बिल्कुल शांत। अरे कम से कम कोई ट्वीट कर देता, कोई वीडियो जारी कर देता, उसके आंख में आंख का ऑपरेशन करा रहा है कि मुंह का ऑपरेशन करा रहा है कि जबान का करा रहा है कि हाथ का करा रहा है, ना ट्वीट कर रहा है, ना बोल रहा है, ना वीडियो जारी कर रहा है। तो अभी इसके ये जो किस्सा पूरा है शराब घोटाले का, ये कि फिल्मी कहानी से ज्यादा सस्पेंस वाला होता जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी इसमें अंत में होगा क्या, क्योंकि तो एक तरह से ऑक्टोपस की तरह फैलता चला जा रहा है ये, और कई लोग इसमें फंसेंगे मनीष जी। लेकिन सर एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे समझ, जैसे देखिए कैलाश गहलोत जिसका मंत्री है वो ईडी समन पे पेश हो चुका है, उसका भी जेल जाना तय है क्योंकि विजय नायर उसी के यहाँ ठहरता था। आज इसने अतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों की जेल की यात्रा तैयार करवा दी, तो ये सबको जेल भिजवा करके ये विभव और अपनी बीवी ये दोनों को के हाथ में सत्ता सौंपना चाहता है। ये मतलब इतना बड़ा अपने ही मंत्री को क्यों फंसा रहा है? मनीष सिसोदिया जेल गया, इस शुरुआत में तो मनीष सिसोदिया के लिए इसने कोई प्रोटेस्ट नहीं करवाया, सत्येंद्र जैन के लिए इसने कोई प्रोटेस्ट नहीं करवाया, संजय सिंह को इसने एक तरह से आज समझ में आ रहा है कि संजय सिंह को इसने जेल भिजवाया ये कहवा करके कि सब ईडी से तो सब डरते हैं लेकिन ईडी संजय सिंह से डरता है, संजय सिंह के डर से ईडी को पेंट में पेशाब हो जाते हैं, ये कहने की तो कोई जरूरत नहीं थी। ये आपने ईडी जैसी संस्था को आपने प्रोवोक कर लिया, इसका मतलब कि ये जानबूझ करके केजरीवाल ने ये जो षड्यंत्र किया ये पूरी तरह से जानबूझ करके किया। हाँ देखिए, वो इसका खास कोई नहीं, जो मैं तो अभी कहने है, जो इसने दो दोस्तों के नाम दिए हैं अपने कि इनसे मेरी मिलने की, जो कौन लोग उससे मिल सकता है, वो दोस्त दोस्त तो इसका कोई हो ही नहीं सकता मनीष जी। इसके पूरे जीवन में असंभव है कि ये किसी का दोस्त हो जाए, ये असंभव है। और एजेंसियों को उन दो दोस्तों के ऊपर पूरी निगाह रखनी चाहिए, उनके पूरे परिवार पे, कि निश्चित तौर पर वो एक सूत्र हैं इसके, और उन आकाओं के जो अदृश्य हैं, उन ताकतों के जो अदृश्य ताकतें हैं, उनके बीच में केवल वो डाकिये का काम करेंगे, दोस्त के रूप में वो आके मिलेंगे, तो कोई दोस्त दोस्त नहीं है ये। इसीलिए और कोई इसका जानता कि और लोग निगाह में आ जाएंगे, तो ये दोस्तों के नाते ये कहीं बाहर से अपने संपर्क को बरकरार रखना चाहता है। बाकी ये किसको जेल भिजवा देगा मनीष जी, ये अंत में अगर कोई ऐसा मौका आया तो ये सुनीता केजरीवाल को भी जेल भिजवाने में इसको कोई कष्ट नहीं होगा कि बीवी मेरी बंद हो जाए, ये बहुत शातिर व्यक्ति है। सर ये तस्वीर अपने आप में कह रहा है, इसमें अतिशी मारलेना के चेहरे को हम लोग पत्रकारिता के भाषा में कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, जरा अतिशी के चेहरे को देखिए कि वो कैसे देख रही है निरी की तरह मिसेस केजरीवाल को। ये कल फुदक रही थी, देखिए कल की तस्वीर देखिए, अतिशी का पीछे चेहरा देखिए जरा सा,
और ये राहुल का मतलब ये सब कहना एक एक फ्रेम जो है बहुत कुछ कह रहा है। देखिए किस बच्चे की तरह कैसे ट्रीट करें, दो आज बड़े आलोक बात कर, देखिए ये फ्रेम बहुत कुछ कह रहा है। देखिए अब राहुल आई, राहुल कोई सोनिया गांधी कह रहे साहब, मतलब राहुल को भी यहां सोनिया ने बच्चा बना दिया, हम लोग बात कर रहे हैं। और पीछे आप अतिशी मारलेना के चेहरे को पढ़िए, एक एक भाव को देखिए, कुछ के अंदर का खौफ और डर बहुत कुछ बता रहा है कि वो क्या कर रही है और क्या बोल रही है। इस बीच सर हम देखिए ये तिहार का गेट जेल नंबर 5-4 है जहां इसकी इसको भर्ती कराया गया है, उसके बीच सर हम आपसे एक चीज हम जरा सुनना चाहते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कि मोदी इस समय ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैंने स्पेशल शो इस पे किया है वैसे, कि प्रधानमंत्री जब चुनाव के समय में इन सबको जेल क्यों भेज रहे हैं। आज ये वीडियो वायरल हो रहा है, पीएम ने कहा कि अभी तो ट्रेलर है, हम तो चुनाव में व्यस्त हैं तब ये सब चीज कर रहे हैं। 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं तो आपके पास भरपूर समय है, आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। भाई साहब कह रहे हैं कि शपथ लेने के 2 दिन बाद ही धमाधम काम आने वाला है, मतलब अब जब इतना काम हो रहा है तो उस समय क्या होगा, जरा सुनिए, ये सुनिए। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना। सर ये 10 साल के काम को ट्रेलर बता रहे हैं, केजरीवाल के जेल जाने के ये सब कुछ होने पर कह रहे हैं कि अभी तो हम बस आराम कर रहे हैं, मतलब हम अभी तो चुनाव में लगे हुए हैं, जब शपथ लेने के 2 दिन बाद से देखिएगा तो अब ये क्या क्या रुख दिखाएंगे इन बेईमानों और चोरों को, पीएम के इस बयान के बाद क्या लग रहा होगा। देखो मनीष जी, आज ये जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हो रहा था, ये रिजर्व बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर था, 90 साल हो गए, 90वां स्थापना दिवस था उनका रिजर्व बैंक का, तो वहां पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे। तो ये खैराती हमारे यहाँ ये सस्ती सतही सनसनीबाज वाली सस्ती चाट बेचने के ये आदि हो गए न्यूज चैनल वाले। तो मैं देख रहा था उसमें कुछ रहे तो तुरंत तो लाइन चलानी शुरू कर दी, क्या नोटबंदी 2 आएगा, क्या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो जिस मंच पे खड़े थे प्रधानमंत्री मोदी, वो मंच इस तरह की बातों का नहीं था, ना वो इस तरह की हल्की कोई बात कर रहे अगले कार्यकाल के लिए लेके। और मैं ये इनकी मैं क्या कहूँ इनको, कि आज ही एक खबर और आई है मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी के बयान को मैं उसी से जोड़कर देख रहा हूँ और वो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी तो है ही है। प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल की ऐतिहासिक उपलब्धि भी है वो, और हमको गर्व होना चाहिए कि हमें कैसा प्रधानमंत्री हमने चुना, और 10 साल अपने चयन पे गर्व होना चाहिए, और कैसा काम किया है उस प्रधानमंत्री की सरकार ने 10 साल, और उसका रिकग्निशन दुनिया के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहिए वैश्विक स्तर पर, वो अद्भुत उपलब्धि है मनीष जी। एक वैश्विक संस्था है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, और उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, वो आज प्रकाशित हुई है, कुछ जगह कल हुई है, आज आई हुई है, कि वर्ल्ड वाइड रिसेशन प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट, कि दुनिया में अगले 1 साल में किन किन देशों में मंदी आने की संभावना, मंदी के आने की कैसी जबरदस्त संभावना है, तो उसको पढ़कर आदमी चौंक जाएगा मनीष जी। उसने कहा कि जो सूची जारी की है कि किस देश में कितनी संभावना है, तो उसमें सबसे पहले नाम है जर्मनी का। जर्मनी में उसने कहा 73% संभावना है कि मंदी इस साल आ जाएगी, यानी 2024 और 2025 ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें जर्मनी चपेट में आ जाएगी। जब वो 73% संभावनाएं बता रहा, तो इसका मतलब वहां की अर्थव्यवस्था बड़ी बुरी हालत में है जर्मनी की। तब वो वैश्विक संस्था जो है वो उसको 73% कह रही कि यहाँ संभावना है। इटली 65% संभावना, ब्रिटेन में 53% संभावना, न्यूजीलैंड में 50% संभावना, कनाडा में 50%, अमेरिका में 45% संभावना है कि इस साल मंदी आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में 40%, फ्रांस में 35%, साउथ अफ्रीका में 30%, मेक्सिको में 25%, और स्विट्जरलैंड ऐसा छोटा सा लेकिन कितना धनी देश है, वहां पर मनीष जी 20% संभावना बताई है उन्होंने, स्पेन में 15%, और जापान, साउथ कोरिया, चीन, जिसके बड़े हमारे यहाँ भक्त हैं, गुलाम हैं,
उस रिपोर्ट कह रही है कि जापान, चीन और साउथ कोरिया इन देशों में भी 15% ये संभावना है कि मंदी आएगी। लेकिन जो सबसे गर्व करने की बात है कि उसने केवल पूरी दुनिया की जो सूची बनाई है, जो धनी देश हैं, विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, केवल भारत के लिए उसने कहा कि भारत में मंदी आने की संभावना 0 है। ये एक प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? मतलब दुनिया में नंबर वन आप कह सकते हैं कि सरकार ये कैसे चली है। हेडिंग दिखा दीजिए मोदी जी, ताकि लोगों, अच्छा हेडिंग नहीं है जैसा जिसमें, जी हेडिंग नहीं है, हेडिंग, हाँ खबर, खबर ही थी कि जीरो भारतीय संभावना है। भारतीय इकोनॉमी भारत लगातार बड़े देशों में सबसे तेजी से ग्रोथ कर रही इकोनॉमी बनी हुई है। यही कारण है कि आने वाले समय भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने वर्ल्ड वाइड रिसेशन जी प्रोबेबिलिटी जारी की है, इसमें एक साल में देश के लिए मंदी का अनुमान बताया गया है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया के कई विकसित देशों में मंदी की आहट है। इन देशों में अमेरिका, यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश हैं। जी और ये भारत की संभावना 0 है, तो जरा आम आदमी इस पर ध्यान नहीं देता। और हमारे यहाँ इन अगले एक खैरातियों साल में, में मंदी की सबसे अधिक आशंका जर्मनी के लिए है। हाँ जर्मनी के लिए 73% संभावना, दूसरे नंबर पर इटली है और तीसरे स्थान पर यूके है, चौथा नंबर न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड के लिए मंदी की आशंका 50% है। कनाडा के लिए भी यह अनुमानतः 50% है। अरे मनीष जी, सारे इसमें जापान, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड सब हैं, स्पेन, कनाडा, फ्रांस, सब सब सारे धनी देश हैं जिनको आप टॉप 20 इकोनॉमीज कह सकते हैं दुनिया की। अकेले चीन भी, चीन के लिए भी उसने कहा कि 15% वहां भी आहट नजर। विपरीत समय में ऐसी विषम परिस्थितियों में, जब दुनिया की ये हालत है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की हालत है, भारत 0-0। तो ये हमारे यहाँ खैराती या पाड़ा ये जलील टाइप के लोग जो जहर उगला करते हैं, जरा सोचिए कि 140 करोड़ लोगों को इस देश के प्रधानमंत्री ने कितना मजबूत सुरक्षा कवच दे रखा है। आर्थिक रूप से कमर टूट जाना, आर्थिक रूप से बदहाल हो जाना, बेहाल हो जाना, तो क्या हाल होता है बिल्कुल पड़ोस के पाकिस्तान में आप देख लीजिए। तो उससे मतलब उससे तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। हजारों लाखों गुना बेहतर स्थिति में हमको लाके खड़ा किया है और सुरक्षित भविष्य की तरफ खड़ा किया कि आने वाले समय में भी आप सुरक्षित रहें। उनकी दिशा में, उनकी उनकी नीतियों पे अगर हम चलते रहे, और इसका जो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, अब बताता हूं मनीष जी, जो मैंने आकलन किया, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज कहा है कि अभी 10 साल में जो कुछ आप लोगों ने देखा वो तो ट्रेलर था, अब अगले साल से शपथ के बाद दूसरे दिन से ही काम शुरू हो जाएगा, तो धमाधम। तो इन मूर्खों ने, कई चैनल ही मूर्खों ने उसका, मैंने देखा कि उन्होंने पट्टी चलानी शुरू कर दी कि मोदी लगता है नोटबंदी 2 लेके आएंगे। अरे नोटबंदी 2 लेके इनको क्या कहूँ वो मनीष जी, ये जो मंदी वाली रिपोर्ट है, दर्शकों के लिए भी मैं कहूंगा कि ये इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब देशों में मंदी की इतनी प्रबल संभावना है, इन्वेस्टर चीन छोड़कर बाहर बाहर नया तलाश रहे हैं, तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर का एकमात्र ठिकाना आने वाले साल में या आने वाले एक दो साल में, पूरी दुनिया के इन्वेस्टरों का एकमात्र ठिकाना भारत बनने जा रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये तो आपने जो 10 साल में देखा वो ट्रेलर था, तो जरा कल्पना करिए कि आने वाले अगले 5 साल किस तरह के होंगे, और जो अगला 1 साल है, तो वास्तव में वो जो मनीष जी, उन्होंने वो रिजर्व बैंक के अधिकारियों के सामने बैठे थे, वो कोई पान की दुकान पे या कोई चुनावी रैली में बात नहीं कर रहे थे कि धमाधम काम आने वाला है, तो रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए क्या काम आने वाला है? तो अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक वित्तीय तूफान, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक तूफान आने वाला है, और उसके लिए वो उनको एक तरह से संदेश दे रहे थे, सजग कर रहे थे कि आप लोग अभी से अपने आप को तैयार रखिए, उनका 2 महीने की छुट्टी है। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज ये बयान, क्योंकि उनके पास तो हम लोगों से 1000 गुना ज्यादा सूचनाएं होंगी, और ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ये रिपोर्ट जो मंदी वाली है, ये आज की मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी, जो हमारे न्यूज चैनलों पर मर गई, इसलिए लोग उसका महत्व समझे ही नहीं, ना वो उसको कोई गंभीरता दे रहे हैं, जबकि ये पूरे देश की अगले 1 साल जिंदगी कैसे रहेगी उसको निर्धारित करेगी ये रिपोर्ट, उसका ये संकेत दे रही है। और प्रधानमंत्री मोदी केवल ऐसे ही बात नहीं कर रहे, और ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की रिपोर्ट है,
ये बताती है कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितना मजबूत किया है देश को। मैं थोड़ी सी बनी सी झलक दे दूं कि जरा आर्थिक मोर्चे पर मोदी ने क्या कमाल किया है, ये जरा दर्शक समझ लें कि आज की तारीख में हमारा जो स्वर्ण भंडार है वो जिस समय यूपीए सरकार का वो हुआ था, 10 साल पूरे हुए थे, तो 10 साल में इन्होंने मनीष जी जो बढ़ाया था स्वर्ण भंडार, वो बढ़ाया था 197 टन, यानी 113 टन से 304 टन इन्होंने कर दिया था। 557 से 360 टन से 557 टन कर दिया था, आज वो बढ़कर 817 टन है। तो इन्होंने 197 टन बढ़ाया था, भारत ने 260 टन बढ़ाया है मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में। और उसके अलावा जो आप आर्थिक स्थिति विदेशी मुद्रा भंडार जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा पैमाना होता है कि कितनी हमारी स्वस्थ है अर्थव्यवस्था, कितनी मजबूत है, उसका पैमाना विदेशी मुद्रा भंडार, तो वो मनीष जी इनके जमाने में बड़ी थी 147 147 बिलियन डॉलर। 10 साल में यूपीए के जब वो महान अर्थशास्त्री हमारा प्रधानमंत्री था, और प्रधानमंत्री मोदी के समय में ये बढ़ी है 338 बिलियन डॉलर। जो ये सोचिए कि इनके 191 बढ़ी थी, मोदी के समय में 338 बिलियन डॉलर बढ़ा है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। तो अद्भुत जो उपलब्धियां हैं उसका परिणाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की रिपोर्ट, और बाजार में क्या हालत है जो जो इनका मुंह काला कर देती है। जितने आके रात शाम को बैठते हैं प्रवक्ता कि बेरोजगारी बेरोजगारी, धंधा खत्म हो गया, अर्थव्यवस्था खत्म हो गया, तो एक बड़ा सामान्य सा जो हर आदमी की समझ में आ जाएगा वो पैमाना आप समझ लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के उद्योग, भारत का व्यापार, भारत के बाजार किस किन ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं। कि जिस समय मनीष जी 2004 में जब ये आए थे मनमोहन सिंह, उस समय हमारा जो शेयर मार्केट था वो मैंने नोट रहा वो 6,250 पॉइंट पे था, और जब इन्होंने छोड़ा तो 23,930 पॉइंट पे था। यानी इन्होंने 10 साल में इनके समय में शेयर बाजार जो है वो 17,000 पॉइंट बढ़ा था, 17,680 पॉइंट, और ये 23,930 पर छोड़ के गए थे, और आज की तारीख में वो शेयर मार्केट जो है 74,000 पॉइंट पे है, यानी करीब करीब 50,000 पॉइंट बढ़ा है। तो जो ये जिस मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 17,000 पॉइंट बढ़ा था, आज वो 50,000 पॉइंट बढ़ा, यानी 3 गुना तेजी रफ्तार से शेयर मार्केट बढ़ा। और शेयर मार्केट कोई कैसे बढ़ता है ये बताने की जरूरत नहीं, ये पूरे हमारे एक तरह से अर्थव्यवस्था की नब्ज होता है, थर्मामीटर होता है, और वो बता रहा है कि पिछले 10 सालों के अंदर क्या काम हुआ। और आज जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 साल में जो था वो ट्रेलर था, और आने वाले समय में अब आपको और काम बहुत बढ़ने वाला है, तो उसको जरा आर्थिक स्थिति से गौर करिए, क्योंकि वो रिजर्व बैंक के अधिकारियों के सम्मेलन में बैठे थे, चुनावी रैली में नहीं थे, जिसको इन खैरातियों ने नोटबंदी मुकुल 2 और फलाना डिमाका चलाना शुरू कर दिया। जी कह रहे हैं कि आज ही डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं और वो हाँ 22,000 करोड़ रुपए हो गए, जो कि यूपीए के 364 करोड़ से कई गुना ज्यादा है। नहीं, 634, 634 सॉरी, बिल्कुल छह सौ सही है, चौंतीस करोड़ से बिल्कुल कई गुना ज्यादा हाँ है। बिल्कुल सही लोग लिख रहा है, बिल्कुल सही लगा। तो जनता जो आज है एकदम ये सही सही कह रहे मुकुल जी, ये भी आंकड़ा आया, तो ये चौतरफा कैसी एक तरह से हमारे अर्थव्यवस्था चौतरफा बाढ़ ऐसी आ रही है उसकी वृद्धि की। और इसको ये समझिए, ये जो मुकुल जी ने अच्छा ये इसका एक उदाहरण दे दिया कि जो डिफेंस सेक्टर का आंकड़ा आया है कि 22,000 करोड़ हो गया है आज की तारीख में एक्सपोर्ट का आंकड़ा, तो ये उसके मुंह पर थप्पड़ है। वो जो मणिपुर से बंबई एक टहला था पागल, उसने कहा था ना कि अरे कहाँ गया मेक इन इंडिया, कहाँ गया मेड इन इंडिया, वो तो फेल हो गया, फ्लॉप हो गया और लोग बर्बाद हो गए। उसके मुंह पर ये थप्पड़ है कि जब उसके 10 साल के कार्यकाल के बाद 634 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रही थी डिफेंस सेक्टर में, और आज 22,000 करोड़ में। और उसके बाद भी ये लोग नैरेटिव गढ़ रहे थे और तैयारी इस बात को लेकर के कर रहे थे कि हम क्या कुछ बदल जाएगा इस मणिपुर से मुंबई की यात्रा में, और वो जो करोड़ों रुपए उस यात्रा में लुटा के ढाक के तीन पात हो गए। आज वो मैं देख रहा था, वो गंधौर यादव भी नए नए एजेंडे गढ़ रहे थे, ये सब के सब फ्लॉप होने के वाली। सर एक चीज तो छूट ही गया उसमें, जब हम मुझे लगता है कि जब अविनाश जी ने याद दिलाया कि प्रणाम सतीश जी, मनीष जी, आपके राज्यसभा एमपी की सदस्यता पर क्या असर होगा अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो।
मुझे लगता है इस पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं उससे, कोई उस मतलब पे नहीं कोई असर देखो। नहीं पड़ता है राज्यसभा सदस्यता से, क्योंकि एमपी तो चुने जा चुके। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है सर कि उसको हिस्सा छूट गया था, केजरी ने अपने उस गुप्ता जी को जिसको राज्यसभा मेंबर बनाया था उसको भी फंसाया, गहलोत और के इसके साथ इसने कहा कि ये क्योंकि उससे भी पूछताछ हुई, पैसा तो सब कुछ वही लेन देन करता था, तो उस गुप्ता के लिए भी केजरी ने कह दिया कि उसकी यादाश्त को की दिक्कतें हैं। मतलब ये जिस गुप्ता को राज्यसभा देने के कारण उसने कुमार विश्वास, आशुतोष, पुण्य प्रसून वाजपेयी सबकी दुकान बंद कर दी, मतलब ये उस गुप्ता को भी जिससे माल पाया उसका भी कांड कर दिया इसने, ये इंटरेस्टिंग है। मनीष जी मैं दर्शकों से बता दूं कि मुझको जब ये सब सुनता हूँ इसकी इस तरह की हरकतें, मैंने कहा ना इसका दोस्त कोई हो ही नहीं सकता, और इसको जब अपनी खाल बचाने की बात आएगी तो सुनीता केजरीवाल को भी जेल भिजवाने में इसको कतई किसी प्रकार की कोई पीड़ा या दर्द नहीं होगा। ये बड़ा शातिर आदमी है और ये इसका डीएनए है, मैं डीएनए जानबूझ कर कह रहा हूँ। याद करिए हमारे यहाँ लोग भुला देते हैं, और खासकर इसके लिए, इसके तो हर कुकर्म हर पाप को भुला दिया गया, इससे संबंधित कोई भी ऐसी चीज जो इसकी छवि को चोट आघात पहुंचा सकती है उसकी बात नहीं करते। इसके बाप को जिसको अभी टहला रहा था 3 दिन पहले अपने बंगले के गेट पे, और सारे चैनलों ने बड़े भक्ति भाव से दिखाया कि केजरीवाल के वृद्ध पिताजी आ गए, वो लेकर लाठी अब सड़क पे इसे मंडरा रहा था कि खूब फोटो हमारी खींच लो ताकि हमारे लड़के का प्रचार हो जाए। उसके बाप का कारनामा मनीष जी, आज से जब जिस समय नाटक कर रहा था दिल्ली की सड़कों पे, तो उसकी सगी बुआ आकर इसके दरवाजे पर धरना देके बैठी थी और इसके बाप की शिकायत लेकर आई थी। जरा सोच लीजिए किस टाइप के परिवार से है। और वो कह क्या रही थी इसकी बुआ, उसने बकायदे मुकदमा कर रखा था, रिपोर्ट लिखा रखी थी कि इसके बाप ने अपने बहन की जमीन, जरा कल्पना करिए मनीष जी, बेशर्मी और बेईमानी की सारी सीमाएं पार, और वो काम इसका बाप कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, इसका बाप कर रहा था कि अपने बहन की जमीन इसने अदालत के अंदर फर्जी दस्तावेज बना के इसके बाप में उस बहन को अपनी माँ दिखा दिया और माँ के हिस्से की जमीन अपने नाम करा ली। वो बहन बिचारी दर दर भटक रही थी, इसके पूरे परिवार के साथ इसके दरवाजे पर धरना देने आके बैठी थी। दिल्ली का कोई न्यूज चैनल उस बहन के पास दोबारा गया ही नहीं। एक तो जब वो धरने में बैठी तब उन्होंने नहीं दिखाया कि ये बैठी है, वो तो कुछ अखबारों ने उस खबर को छाप दिया था, तो एक वो दस्तावेज आज भी लोगों के पास है। किसी न्यूज चैनल ने दिखाया नहीं कि इसके बाप इतना बेईमान है, केजरीवाल उस बेईमान बाप का लड़का है जो अपनी बहन को अपनी माँ बता के उसके फर्जी दस्तावेज बना के उसकी जमीन लिखा ली, और उसके बाद आज तक कोई न्यूज चैनल उस बेचारी बहन के पास नहीं गया कि तुम्हारी जमीन मिली कि नहीं मिली, और इसके बेईमान बाप के खिलाफ क्या कार्रवाई अदालत में हुई कि नहीं हुई। तो ये उस बाप का लड़का है तो इसको ये क्या कर गुजरेगा, क्या करिश्मा दिखाएगा बेईमानी का, कौन सा नया कीर्तिमान बनाएगा, इसकी कोई हम आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेईमानी हम लोग जहां सोच रहे हैं उसके आगे से इसकी बेईमानी शुरू होती है, बहुत दूर का आदमी है। तो क्या सर ये चीज कांग्रेस जो 70 साल लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रही है उसको समझ में नहीं आ रहा होगा? इस केजरी के आमंत्रण पर जो हम लोगों ने अभी वीडियो देख, कान में सुनीता केजरीवाल को कह रही है सोनिया गांधी, और कितना मतलब लग नहीं रहा कि 80 साल की अवस्था में सोनिया गांधी इतना तंदुरुस्त है, जिसके बीमारी का इतने बहाने बनाए गए कि विदेश जाती है बीमारी के लिए, ये पूरा खेल इसका मतलब लग रहा है क्या कि कांग्रेस के एजेंडे में पूरा खेल हो रहा है? क्योंकि केजरीवाल जैसे धूर्त व्यक्ति को जब तक पुख्ता सबूत नहीं होगा चुनाव से ठीक पहले, केजरीवाल को पकड़ में रखना बहुत खतरनाक हो सकता था। और ऐसे कंडीशन में ये केजरीवाल की गिरफ्तारी और रामलीला मैदान में जो कल कुछ हुआ, क्या उसको बड़ा कैजुअली लिया जा सकता है या बहुत खतरनाक? जबकि हर्ष कुमार एक बात कह रहे हैं, मुझे लगता है उसको जोड़ा जा सकता है, नमस्कार मनीष जी, सतीश जी, इकोनॉमी सही रास्ते पर है, केवल देश की इनस्टेबिलिटी से सुरक्षित रखना देश की सरकार की बड़ी ताकत ले लेती है। मुझे लगता है कुछ कहना ये चाह रहे हैं ये कि ये जो अस्थिरता सरकारों के अंदर होती है वो देश की पूरी ताकत को सोख लेता है, और यही पूरी पूरा एजेंडा इस देश में लुटियन दलाल क्या चाहते थे कि यदि इनस्टेबिलिटी हो और मतलब सरकार यदि अस्थिर हो, लालू यादव भी हो, मुलायम सिंह यादव, तो सबके साथ दलाली की जा सके और फिर देश को कमजोर, मतलब जितना कमजोर सरकार होगी दलालों को उतना फायदा होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार कहते थे कि हमें प्रचंड बहुमत वाली सरकार चाहिए ताकि हम दुनिया में मजबूती के साथ अपनी बात रख सकें। तो क्या ये अस्थिरता लाने की साजिश ही है जो लगातार की जा रही है?
ना ये तो पहले दिन से, जब 2011 में आया था अन्ना अन्ना उसको लेके नाटक करने, उस दिन से इनका मेन एजेंडा ही इनको ये सौंपा गया कि अस्थिरता है, अराजकता है, सब तहस नहस हो जाए, देश की तरक्की रुक जाए, इनका मेन एजेंडा ये है। तो राजनीति में आ गया, दिल्ली की गद्दी पा गया, तो और ये जहरीला हो गया। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, या कोई चौंकाने वाली बात नहीं, या कोई दुख की बात नहीं कि क्या सोचा था क्या हो गया। ये पहले दिन से ऐसा था। हम लोगों को इसको पहचानने में कुछ लोगों से गलती हुई, मुझसे तो नहीं हुई, मैं इस पाप से मैं बरी हूँ कि मैं तो इसको तीसरे चौथे दिन पहचान गया था, और तब से मैं खुलकर इसके खिलाफ लिखता रहा हूँ। और आज तो खैर पूरा देश वही बात कह रहा जो मैं 2011 में लिखता था, जो मुझे उस दौर से मुझसे परिचित हो जानते हैं। चलिए, इस मामले में मैं थोड़ा फेल्योर रहा। मैंने केजरीवाल पे बड़ा, मुझे बड़ा शुरुआत में इसने बहुत प्रभावित किया। मुझे लगा कि आदमी जो आम आदमी के बीच से निकला, इसीलिए मैं ज्यादा पीड़ा में होता हूं इस बेईमान और नीच पे व्यक्ति पे। मुझे घृणा इसलिए होती है कि इसने भरोसे की हत्या कर दी है। 2011-12 में बतौर रिपोर्टर मैं इससे बहुत प्रभावित था, क्योंकि इसकी लाइव रिपोर्टिंग मैंने घंटों, यूं समझिए कि 10-10, 11-11 घंटे उस आंदोलन को कवर किया, और बड़ा एनर्जेटिक होकर कवर करता था, कि लग रहा था कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति आया है जो पूरा अन्ना के साथ इस देश को बदल देगा। ये विश्वास का हत्यारा है, ये नरसंहारी है। इसीलिए मुझे लगता है केजरीवाल एंड गैंग को जितनी भी सजा मिले वो बहुत कम है। जो उतना रानी जी कह रहे कि जय श्री राम, मनीष जी, सतीश जी, मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल इन सब घोटालों के पीछे की सरगना है। आप विद्वानों को क्या लगता है? नहीं, ये गलत फहमी है। सुनीता उनीता केजरीवाल सरगना नहीं, सरगना तो वही है जो तिहाड़ चला गया, वो इन लोगों को नचा रहा है। अब इनमें कौन ज्यादा करीबी है, तो उसकी पत्नी है, तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक करीबी वही है। हम अगर आखिर में अगर ये बिंदु आया कि दोनों में से कौन, तो केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए उसको भी जेल भिजवाएगा। उसको भी जेल भिजवाएगा। चलिए, अब आप जो कह रहे हैं मुझे लगता है कि चल, इस बात का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या सचमुच सुनीता केजरीवाल को भी ये जेल भेजेगा, क्योंकि केजरीवाल के रूप में एक मान्यता है कि केजरीवाल किसी का नहीं हो सकता, और पंजाब में बड़ी मान्यता है। आज भी भगवंत मान का वो वीडियो वायरल हो रहा है कि भगवंत मान दिल्ली में 4 लोगों को आईटीओ पे लेके बैठ तो गया, लेकिन पंजाब में जहां उसकी सरकार है वहां भगवंत मान ने किसी चौराहे पर कोई प्रोटेस्ट नहीं होने दिया। तो इसका मतलब है कि भगवंत मान कोई पहचाने या ना पहचाने, ये भ्रम में सिसोदिया रह ले, भ्रम में सतेंद्र जैन और संजय सिंह और या तीसी गतिसी चड्डा चड्डी कुछ भी रह ले, लेकिन भगवंत मान मुझे लग रहा है कि सर यही एक अकेला है जो इस शातिर को, इस धूर्त को पहचान रहा, पहचान चुका हुआ है। सर, अस्थिरता की बात हो रही थी, लगातार हम देख रहे हैं कि इसने एक पूरी पिछले कुछ दिनों से अलग अलग प्रपंच किए गए, जातिवाद से लेकर के दलितों को लेकर के, फिर आदिवासी को लेकर के, फिर किसान वाला मुद्दा उठा करके, तुष्टीकरण फेल हो गया, लेकिन अब फिर से हिंदू आतंकवाद गढ़ा जा रहा है कि मतलब ये जो सनातन एकता हुई है, जो जातियों में टूटी हुई का सनातन समाज जो एकजुट हुआ है, इन्हें लगता है कि मोदी की असली ताकत यही है, और जब तक इसे ध्वस्त नहीं किया जाए, तो जो उस समय में सोनिया गांधी ने करवाया था तब के गृह मंत्री के माध्यम से, जो हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था और ये बात दिग्विजय सिंह से कहवाया गया, तब के गृह मंत्री से कहवाया गया, क्या आपको लग रहा है कि फिर से उसकी बड़ी तैयारी हो रही है, और उसकी बुनियाद कर्नाटक जो उसका स्टेट है वहां की राजधानी बेंगलुरु से की जा रही है? सर, हाँ, वो एक बार बिल्कुल प्री प्लान तरीके से इनकी तैयारी थी। ये 2007-08 में जिस तरह से इन्होंने साध्वी प्रज्ञा को, कर्नल पुरोहित को पकड़ के हिंदू आतंकवाद का एक जिन्न खड़ा करने की कोशिश की थी, उसमें सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद याद करिए जिस समय बम्बई हमला हुआ था, उसको तो बाद में बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि वो लाल कलावा बांध के आया था अजमल कला कसाब, और उसके पास जो मारा गया, जब पकड़ा गया, जब उसके पास आइडेंटिटी कार्ड जो बरामद हुए थे, तो सारे उसके परिचय पत्र जो थे वो समीर चौधरी के नाम से बने हुए थे, हैदराबाद का कोई उसका पता उस पर था। यानी अगर वो ये मार दिया जाता, वो जिंदा ना पकड़ा जाता, तो समीर चौधरी के नाम से दर्ज हो जाता और वो हैदराबाद में उसको ढूंढा जाता, और वो हिंदू आतंकवाद का एक बहुत बड़ा कलंक हिंदुस्तान पे लग गया होता, ये हिंदुओं पे लग जाता। ये बिल्कुल जग जाहिर थ्योरी है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन ये कांग्रेस अभी भी अपनी उस रणनीति से बाज नहीं आई है।
क्योंकि अभी जो रामेश्वरम कैफे में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसको एनआईए ने जाके जांच अपने हाथ में ले ली थी, एनआईए उसकी जांच करने लगा था, उसमें तो अभी दो आदमी फरार है, तीन आदमियों के उसमें नाम है। उसमें एक जो पकड़ा गया, जो फैसिलिटेटर था, जिसने लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराई थी उनको, वो मोहम्मद शारिक का नाम नाम का एक आदमी पकड़ा गया है। तो उससे जो एनआईए को पता चला है कि वो जो दोनों फरार हैं, उनमें से एक जो था वो अपना पूरा हिंदू, उसने अपनी आइडेंटिटी बनवा ली थी, उसका आधार कार्ड, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, यानी उसने सारे परिचय पत्र अपने जो है, उसका नाम तो था अब्दुल मतीन ताहा, लेकिन उसने विघ्नेश उर्फ सुमित के नाम से बना लिए थे, और उसी नाम से वो होटलों में लाजों में रुक रहा था। तो एक तरह से वो पूरा नेटवर्क बना रहा था कि हिंदू आतंकवादी इसमें है। और ये जरा मनीष जी, ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही आके यहाँ कानून बदला कि आतंकवाद की किसी भी घटना में एनआईए को किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जाकर उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। तो एनआईए ने इस केस को जाके टेक ओवर कर लिया और खुद जांच अपने हाथ में ले ली आतंकवाद का बता के। अगर ये पुराना कानून चल रहा होता तो कर्नाटक की पुलिस जब ये ढूंढना शुरू करती तो ये आतंकवादी कभी पकड़े ना जाते, इनका कभी पता ना चलता, और ट्रेस में ये आता कि कोई विघ्नेश था या कोई सुमित था जो जिसने आकर ये ब्लास्ट किया, एक हिंदू आतंकवाद का जिन्ह यहाँ फिर खड़ा कर दिया जाता। और ये पहली घटना नहीं है कर्नाटक की, इससे पहले 2022 में एक वो पकड़ा गया था मोहम्मद शारिक, हाँ शारिक नाम था उसका, शारिक तो अभी पकड़ा गया है, वो उसने अपना नाम प्रेमराज रखा था, वो था वो मुसलमान, लेकिन उसने अपना प्रेमराज नाम के आधार कार्ड बनवा के, सारे पहचान पत्र बना के, वो प्रेमराज के नाम से उसने मंगलुरु में बम विस्फोट किया था। तो ये सारी घटना कर्नाटक में ही क्यों हो रही है, कांग्रेस शासित राज्य में क्यों हो रही है, और ये मुसलमान आतंकवादी हिंदू नाम क्यों रख रहे हैं, जब पकड़े जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो इसका मतलब जानबूझकर पूरे देश में एक भ्रम फैलाने की फिर एक साजिश रच रही है कांग्रेस, जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं, कि वो हिंदू आतंकवाद का जो जिन वो अपने उस पहले शासनकाल में नहीं कर पाए, तो वो राज्यों में कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में हमको फिर ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। ये साजिश, मतलब इसीलिए सचेत होकर रहने की जरूरत है कि कैसा प्रपंच किया जा रहा है। और उसके बाद एक घटना से जो ये इस बात को कहते हैं कि नहीं, मजहब नहीं होता आतंकवाद। देखिए, एक माफिया के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए और ये कहते कि नहीं, वो तो बड़ा नेक दिल व्यक्ति था, जबकि वो इतने मामले में सजायाफ्ता अपराधी था। इस सिर्फ मुख्तार के लिए लोग एकजुट नहीं हुए थे, हाँ बुरहान वानी के लिए भी हुए थे। मुंबई पे आतंकी हमला वाला जो आतंकी था, उसके मौत की सजा पे उसके भी अंतिम संस्कार में यूं ही रहे। और आज तक किसी भी सीरियल ब्लास्ट में किसी भी इस्लामी आतंकवादी के लिए उन्होंने नहीं कहा कि हाँ ये इस्लाम का इस्तेमाल किया। लेकिन यदि एक भी व्यक्ति साध्वी प्रज्ञा को भी फर्जी रूप से फहराया गया तो उसे हिंदू आतंकवाद गढ़ा गया। ये खेल खतरनाक होता है और इसी खेल को खेलने की ये कोशिश की जा रही है। सर, जाते जाते एक तस्वीर पर आज बड़ा नैरेटिव गढ़ा गया, केजरी को किस जेल में रखा जाएगा। मैं देख रहा था कि क्राइम रिपोर्टर्स एक से एक बात कर रहे थे, तीन में रखा जाएगा, कोई कह रहा था दो में रखा जाएगा, कोई कह रहा था पांच में रखा जाएगा। लेकिन ऐसे तिहार जेल तो है आम आदमी सरकार के, लेकिन तीन पर तुक्का चलाया जा रहा था, इसीलिए क्योंकि इन तीनों को वीआईपी जेल माना जाता है। तो कहा गया पांच नंबर सबसे साफ सुथरा है, सैनिटाइज कर दिया गया पांच नंबर को, और उसके बाद वहां उस जेल में केजरी को रखा जाएगा। अंतिम खबर आई कि न तीन में, न दो में, न पांच में, चार नंबर में। एक और चार मीडिया वाले नहीं बता पाए थे, तो चार में, मोदी काल में ऐसा ही होता है, ये चार नंबर में रखा गया है। ये जब अंदर गया होगा तो इससे सिसोदिया से, सत्येंद्र से और ईडी को पेंट में पेशाब कराने वाले संजय सिंह से भेंट तो नहीं हुई होगी, लेकिन उन सबको पता तो चल गया होगा सर कि आका आ गया। तो हाँ, इस आका का स्वागत कैसे हुआ होगा सर? नहीं, अभी तो मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात इसकी कल परसों में होगी, सेटिंग करके देखिए। वहां का अंदर का जो स्टाफ है वो तो दिल्ली सरकार का ही है, तो अंदर इसको कष्ट नहीं होगा कोई। बाकी इसको कोर्ट से आदेश भी हो गया कि खाना आना इसको घर से ही जाएगा, घर का खाना इस्तेमाल कर सकता, खाना या कपड़े, तो अभी ठीक रहेगा। अब देखिए, हाँ ये, लेकिन जब भी वो ये मुलाकात होगी तो वो विस्फोटक होगी मनीष जी, ये पक्का है कि वो जब भी मिलेंगे, कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं, तो वो लोग एकदम, वो लोग एक तो समझ चुके हैं कि अब इसने हमको तो निपटा दिया, और अभी हमारे साथ किसी प्रकार की
नरमी नहीं बरत रहा, कोई छूट नहीं दे रहा, तो अब वो लोग इससे बहुत सख्ती से पेश आएंगे, क्योंकि अब ये अपनी औकात पे इसको ला दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अब ये भी उन्हीं की तरह एक सामान्य कैदी है तिहाड़ के अंदर, और बिल्कुल मेरे ख्याल से जेल आज गया है ये, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे, या तो ये इस्तीफा देगा, और नहीं, अगर इसने इस्तीफा नहीं दिया तो आज है सोमवार, बुध या बृहस्पति को इसकी सरकार बर्खास्त हो जाएगी, अगर इसने इस्तीफा नहीं दिया तो। इसने इस्तीफा नहीं दिया, इसीलिए इसे अस्तर तक कहकर कि इसे गिरने दिया जा रहा है। जो व्यक्ति कहता था कि आरोप लगने के बाद इस्तीफा होना चाहिए, वो व्यक्ति इतना निर्लज्ज हो चुका है कि वो तिहाड़ चला गया, इस्तीफा नहीं दिया। मतलब नैतिकता का आवरण ओढ़ के इस आदमी ने जितनी घटिया हरकतें की है वो पराकाष्ठा है, वो पराकाष्ठा है। कुल जी कह, राजीव राहुल गांधी चुनाव के बाद आग लगाने की धमकी दे चुका है, सरकार को इस धमकी पर सचेत रहना चाहिए। देखिए, इस पर कल सतीश जी ने बहुत शानदार विश्लेषण किया है, मुझे लगता है कि उस विश्लेषण को दोबारा से सुना जाए और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया जाए। वो मामला बिल्कुल सामान्य नहीं था, वो बहुत खतरनाक था, और इसीलिए मुझे लगता है कि एनआईए इस पूरे मामले में राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों पर अपनी नजर रखी हुई होगी। अपूर्व जी कह रहे कि ये केजरीवाल खुद हाँ, तो गया, अपने चमचों को भी ले गया। नहीं, ये देखिए, ये चमचे या दया के पात्र कतई नहीं है, ये गिरोह था, ये गिरोह का सरगना था, डकैत ये भी है, डकैत वो भी थे, तो अगर उनको सजा होती है, दंड मिलता है, तो बिल्कुल मिलना चाहिए, वो कतई भी दया के क्षमा के पात्र नहीं है। चमचे हमचे नहीं थे, गिरोह था, ये दिखाते थे कि मैं चमचा बिल्कुल हूँ, वो हूँ, तो जैसे नहीं, डकैत में चमचा तो गिरे बड़ा हो। हल्का शब्द हो गया, एक गिरोह था। ये हाँ, केजरीवाल जितने ही पापी थे, ये जो जो आज खुद यहाँ इनके जहरीले बोल याद कीजिए, आतिशी मार लेना को, और आज उसके चेहरे के भाव को पढ़िए। और मैं अक्सर सर कहता हूं कि अयोग्य लोग जब आवश्यकता से ज्यादा पा जाते हैं, अब हम और आप बस सतीश जी, भले ही आप कुमार विश्वास को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जब कुमार विश्वास ने कहानी सुनाई थी कि सिसोदिया उसके घर, दोनों बचपन के दोस्त थे, आज भी जो मैं लेट हो गया, मैं अपने बचपन के एक दोस्त के यहाँ डिनर पे था, तो आप वहां पर जब जाते हैं तो बिल्कुल आप बचपना में रहते हैं, वहां कोई आप अपने आप को बड़ा छोटा कोई एक दूसरे को नहीं दिखाता, लेकिन सिसोदिया ने अरविंद कुमार विश्वास को यह एहसास करा था, हाँ मैं बड़ा हूं। तो आज निश्चित रूप से जब आप ऐसा अहंकार पालते हैं तो आप ऐसी दुर्गति में होते हैं। सर सिसोदिया को, और आप भी जानते होंगे, मीडिया में आप हैं, ये चिरकुट जी न्यूज में एक सिंपल प्रोड्यूसर था, इस आदमी को इतना बड़ा मिला, तो इसको सोचना चाहिए कि भाई आप यदि गधे हैं, भाई थोड़ा सा तो इंसान खुद को तो थोड़ा बहुत पहचानता है कि हम गधे हैं, और हमको इतना बड़ा मंत्रालय, इतना पावर मिल गया, क्यों मिल गया? इसका मतलब तुम्हें यूज किया जा रहा है। केजरीवाल ने इन सब अयोग्य लोगों को, जो लोग ढंग के थे, सबको बाहर कर दिया लात मार के, और अयोग्य लोगों को इस्तेमाल किया, तो इन पे दया कैसे की जा सकती है? ना, मैं बता दूं मनीष जी, इसको स्तरहीन घटिया लोगों को ही इसने अपने साथ रखा, जो जरा से भी शातिर थे या दिमाग वाले थे उनको सबको इसने बाहर किया, जिनको जिनको बाहर किया वो सब लोग जानते हैं। इसने साथ किसको रखा, जरा गौर करिए, ये सिसोदिया के बारे में आप खुद ही बता रहे हैं, सामान्य सा प्रोड्यूसर था वो स्टूडियो में, जी न्यूज में ये जो एक इसका जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हो गोपाल राय, वो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का 6ठे 7वें ग्रेड का वो स्टूडेंट लीडर था, यानी उसको कोई एक तरह से जो जो हमारे वास्तव में गंभीर छात्र नेता थे जिनकी एक पहचान थी, वो अपने साथ खड़ा नहीं करते थे। और ये भी बता दूं कि इसकी हालत ये थी, यार 6-7 महीने में कोई ना कोई इसको कूट देता था और ले जाके थाने में ये निपटाया जाता था, तो इस हैसियत का आदमी था। जब ये वहां पहुंचा तो बहुत से मैं नहीं, बहुत से लोग चौंके थे, ये लखनऊ के और लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता, ये मतलब आप वहां कहां अपने जो बड़े पर। भाई की तरह आपके साथ हैं, उनकी उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके हाँ, सामने सब में खड़े सब होने की हैसियत नहीं थी इसकी। उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था मनीष जी, हाथ जोड़ के कि भैया अच्छा, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के चुनाव होने तो NSUI का टिकट करा दो, फला ये स्तरहीन, बड़े करीब से देखा इन लोगों को, तो ये वो लोग है। तो कोई केजरीवाल ने जानबूझकर ऐसे लोगों की ही फौज बनाई थी कि जिस समय जरूरत पड़े, जैसे आज उसको जरूरत पड़ी है, तो इनकी बलि चढ़ा दूं, तो इनकी औकात ना हो, ये मुझसे लड़ने को, मुझको चुनौती देने की इनकी हैसियत ना हो। मार लेना का हम लोग बता ही चुके हैं कि वो प्रशांत भूषण के यहाँ नौकरी करती थी, प्रशांत भूषण उसको यहाँ ले आया था कि चलो मेरी एक चेली यहाँ रहेगी, वो उसको निपटा दिया उसने, केजरीवाल ने स्थापित कर दिया। तो ये इस टाइप के वो उसके लिए बताते ही सब कि सुल्तानपुर में टिकट सिनेमा टिकट ब्लैक किया करता था, तो जो इस टाइप के लोगों को जिसने इकट्ठा किया हो उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं। और केजरीवाल अच्छे से जानता था कि इनको एक न एक दिन मुझे इनकी बलि चढ़ानी है,
तो जब मैं इनकी बलि चढ़ाऊं तो ये कुछ कहने की हैसियत ना हो, इनकी इतनी हिम्मत ही ना हो, इनका अंदर से इतना इनका मनोबल ही ना हो कि मुझसे लड़ सके, तो वो उसमें वो सफल हो रहा है। आप देखिए, दो डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बंद है, लेकिन इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो कि मार देना, मुंह लटकाए खड़ी है। उसका तो वारंट एक तरह से कटवा दिया है इसने, अब ये कब उस पर जाती है तय है, वो सौरभ मीठा। तो ये इसने बड़े घटिया स्तरहीन बौने लोगों को अपने साथ रखा था, और जिनसे इसको जरा सी भी उम्मीद थी। मैंने कहा ना, योगेंद्र यादव मनीष जी, वो हम लोग उसकी आलोचना करें, लेकिन है तो वो सातिर बड़ा मार ऊंचा विश्वास, खिलाड़ी है। मार विश्वास में कुमार कुमार विश्वास, वो आशुतोष जो दुकान चला रहा, झूठ सच का बोर्ड लगा के झूठ की दुकान आजकल खोले हुए, ये सब लोग, इनसे उसको खतरा था कि ये कभी भी बिगड़ सकते हैं, इनके अपना एक सर्किल है, तो उसने इन सबको बड़े किनारे कर दिया था। अब इनको तो चाहे जैसे निपटाएगा वो। मुझे कुछ लोग लिख रहे हैं कि मीठा ने केजरी को अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया पर। मुझे लग रहा है सचमुच कल कुछ बड़ा धमाका होगा, लेकिन ये समझने की जरूरत जो सतीश जी इशारा कर रहे हैं कि प्रशांत भूषण की चेली दिल्ली की सुप्रीमो बनी हुई थी, तो सोच लीजिए कि केजरी ने कैसे कैसे नकारों को ताकत दी। और जब आप अपनी पहचान नहीं कर पाते हैं ना, आपको जब आवश्यकता से ज्यादा मिल रहा हो तो सचेत होने की जरूरत होती है। जब आपके पास अवैध पैसा इतने मालामाल हो रहे हो, इसका मतलब घंटी बज रही है कि कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है। केजरी ने बेईमान निकम्मों का कैसा इस्तेमाल किया। जी, मेहुल शाह जी को जवाब दे दूं, उन्होंने कहा कि सतीश जी चुनाव के बाद माँ बेटा सलाखों के पीछे होंगे। सलाखों के पीछे बहुत पहले हो जाते हैं, लेकिन शाह जी मैं एक बात आपसे कहूँ, मेरी भी बड़ी हार्दिक इच्छा, मैं भी बड़ी उम्मीद कर रहा हूँ कि सलाखों के पीछे चले जाए, लेकिन देश का ज्यादा भला इस बात पे हो रहा है कि दोनों सलाखों के पीछे नहीं है, नहीं है ये बाहर रह के ज्यादा भला देश का कर रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं और इनके सारे कारनामे उजागर हो रहे हैं। तो ये अभी फिलहाल ये बाहर रहेंगे, जिस समय इनका पूरा उपयोग हो चुका होगा तो अभी जेल सलाखों के पीछे जाएंगे। अभी मुझे कोई जल्दी नहीं कि ये दोनों माँ बेटे जाएं, ये इनको भी रहने दीजिए। बिल्कुल। और इसीलिए हम लोग शुरुआत में हम लोग भी कहा करते थे कि कायदे से केजरी को बहुत पहले जेल जाना चाहिए था, लेकिन केजरी का आज जेल जाना जितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा नैरेटिव जो है ना वो पूरा खुल चुका हुआ है। इसका पूरे नौ-नौ समन को इग्नोर करके अपने आप को नग्न कर चुका है। ये तिहाड़ जेल जाने के बाद भी इस्तीफा ना दे करके अपने आप को बेनकाब कर चुका है। इसीलिए कल्पना कीजिए, केजरी को 1 साल पहले भी सिसोदिया के साथ इसे भी जेल भेजा जा सकता था, लेकिन किसी चीज का समय होता है। मुझे लग रहा सतीश जी वही कहना चाह रहे हैं कि इसमें बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि माँ बेटे ने तो ना, कांग्रेस पार्टी का अखबार तक सर बेच करके खा लिया। मैं यही कहने जा रहा था कि मनीष जी देखिए, वो उसकी आलोचना आप कुछ भी करिए, लेकिन वो 1885 की, यानी करीब करीब 137-138 साल पुरानी वो पार्टी, और 50-60 साल जिसने देश पर राज किया है, उसको इतना आसान नहीं था खत्म करना। उसको प्रधानमंत्री मोदी के सेहरा ये बंद जरूर जाएगा कि उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया, कि वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। लेकिन अगर कांग्रेस को खत्म करने के श्रेय वास्तव में किसी को जाता है, तो पहले नंबर पर राहुल गांधी और नंबर दो पे फिर राहुल, ये माँ बेटी, मगर पहला पहला स्टार तो उस कैंपेन का था राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी जरा सा ढंग का होता, जरा सी उसकी बुद्धि ठीक होती, तो चाहे जितनी आप कोशिश कर लेते कांग्रेस खत्म ना होती, लेकिन राहुल गांधी ने 10 साल में वो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर दी जो प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि उसने खत्म कर दिया। 2024 के बाद 25-30 सीटें आनी है, खत्म। तो बस इंतजार कीजिए उस पल का भी कि जब उन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद धमाके होंगे, तो धमाके कई तरह के होने हैं, अब उसका इंतजार कीजिए। लेकिन सबसे आनंद का तो समय आज था जिसका देश इंतजार कर रहा था। बहुत सारे सर लोग आपको लड्डू खिलाने का इंतजार कर रहे थे, सोशल मीडिया के दौर में लड्डू ऐसे ही खिलाए जाते हैं, तो उन सबका सपना पूरा होगा। बहुत लोगों को लग नहीं रहा था ये विश्वास की हत्यारा। आप जैसे लोग थे जो शुरू से मानते थे इसको बेईमान थे, लेकिन हम जैसे लोग शुरुआत में इसके शिकार हुए थे, इसीलिए पीड़ा ज्यादा हम लोगों को है। इस व्यक्ति को जितनी भी सजा मिले वो कम है। इसने उम्मीदों की हत्या की है सर, मैं बता इसीलिए दूं मनीष जी कि ये तो ये वो जिसको पूरा ये तो चैनल तो बताते थे कि दूसरा गांधी पैदा हो गया इस देश में। मैंने बिल्कुल उस समय, भी मुझसे उस समय भी 2-4-10 हजार लोग जुड़े हुए थे फेसबुक में, मैंने उसको कभी अन्ना नहीं लिखा। मैंने अपनी फेसबुक पोस्टों में उसका पूरा नाम लिखता था, किशन बाबू राव हजारे उर्फ अन्ना, 8वां फेल ट्रक ड्राइवर, वो ट्रक ड्राइवर था, 8वां फेल था,
और नाटक क्या बना के कैसा दिल्ली इन्होंने लाद दिया पूरे देश के ऊपर, उसके आड़ में एक जालसाज को कैसे इन्होंने दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा दिया। ये एक बड़ी साजिश है जिस पर एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, जिसका नाम रखा जाए साजिश। कुछ लोग सर पूछ रहे जाते जाते भगवंत मान क्या करेगा, आप नहीं आपसे पूछना चाह रहे भगवंत, हैं। हाँ बस ये केजरी को चेयर में एक ही गलती हो गई है, उसको मजबूरी में करना पड़ा। भी क्या भगवंत मान क्या पार्टी तोड़ देगा? निश्चित निश्चित, मतलब इसमें कहीं 1% भी मुझको संदेह नहीं है। वो इंतजार कर रहा है कि जरा पुख्ता हो जाए, कि ये भी अब साल दर साल के लिए अंदर गया तो वो पार्टी तोड़ेगा और इसको धोएगा भी बहुत बुरी तरह से, सार्वजनिक रूप से धोएगा। जरा 2024 का रिजल्ट आ जाने दीजिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ना कि ये तो ट्रेलर था 10 साल का, अब ये जरा इस संदर्भ में आ जाइए। तो वो वहां पे वो कह तो नहीं रहे थे उस संदर्भ में, कहने का उनका अर्थ कुछ और था जिसकी मैंने पहले व्याख्या कर दी। लेकिन 2024 के बाद भगवंत मान जैसे लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शरण में आए बिना भला नहीं होना है। तो वो अपने आप केजरीवाल को जोड़ दीजिए, क्या करेगा वो। मतलब ये जो एनआईए वाली व्यवस्था है, खालिस्तान वाली व्यवस्था है, उसका पूरा रिकॉर्ड सरकारी गवाह कह लीजिए या कुछ भी कह हाँ लीजिए, उस रूप में। मैं बता दूं, देखिए कि भगवंत मान जो है वो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, जोकर कह सकते हैं आप उसको, उतनी बुद्धि नहीं, गजब का शराबी है, मतलब नाक तक की बहे तब तक की दारू पीता है। लेकिन मैं उसको फिलहाल, अभी मुझको जितनी उसकी हरकतें अभी तक सामने आई हैं, मैं उसको केजरीवाल की तरह देशघाती नहीं मानता। केजरीवाल ने उसकी पगड़ी का इस्तेमाल किया कि एक सरदार चेहरा उसको चाहिए था पंजाब में, और ऐसा चेहरा चाहिए था जिसको वो अपने हिसाब से नचाए, अपने हिसाब से घुमाए। और भगवंत मान को जो कुछ मिल गया था वो उसके लिए जरूरत से ज्यादा था। लेकिन भगवंत मान की एक तारीफ तो आपको करनी पड़ेगी, जो पंजाब के लोग जानते होंगे कि वो इसके सारे सांसद हार गए थे, लेकिन वो लगातार 2 बार सांसद जीता था, तो वो अपने क्षेत्र की जनता से उसका टच रहता है। भगवंत मान को मैं कम से कम खालिस्तानी नहीं मानता हूँ। वो जो कुछ भी कर रहा था इसके दबाव में कर रहा था, और अब 2024 के बाद ये तो जेल में ही कटना, ये जेल में ही इलेक्शन का रिजल्ट भी सुनेगा, तो उस रिजल्ट के बाद भगवंत मान इसको लात मारेगा बहुत बुरी तरीके से। तब तक काफी कुछ ठीक ठीक उसी तरह से बदला। जैसे नरसिंह राव ने किया। नरसिंह राव ने अपनी किताब में भी लिखा कि नरसिंह राव सोनिया गांधी का के सामने में झुक सकता था, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नहीं। नहीं लगातार पंजाब जैसे बड़े राज्य को इसने, एक शहरनुमा राज्य का मुख्यमंत्री ने नौकर बना दिया। इसने पंजाब के आत्मसम्मान को चोटिल किया, पंजाबियों के आत्मसम्मान को चोटिल किया। और भगवंत राम जिस तरह से घुटने के बल इसके सामने रहे, अपने सरकारी विमान जो है, विशेष चार्टर विमान इसके चरणों में रखते रहे, तो भगवंत मान का भी तो स्वाभिमान जगा होगा कि मैं पंजाब, अब मैं वो भगवंत मान नहीं हूं, मैं पंजाब का मुख्यमंत्री। इसके केजरीवाल का घरेलू नौकर नहीं होती सी मार लेना और मीठे की तरह। और मनीष जी, जाते जाते दर्शकों को एक और मनोरंजन कर दूं कि केजरीवाल तो अब जेल में है, केजरीवाल जेल में है, एक तरह से सुरक्षा घेरे में है। तो केजरीवाल को भगवंत मान से कम खतरा है। जो सबसे ज्यादा खतरा भगवंत मान से किसी को है, तो वो जो लंदन में बैठा है, मैं वही आना चाह रहा वो था, अभी जाने नहीं देना चाह रहा था कि चड्डा तो हाँ सबसे अधिक मौज ले रहा है सर। नहीं, वो वहां मौज ले रहा, लेकिन अगर वो हिंदुस्तान आ गया तो भगवंत मान के नशे में जिस दिन सामने मिल गया, तो 2 साल केजरी का दूत बन के भगवंत मान की गर्दन दबाने का काम तो उसी ने किया है। तो भगवंत मान का सारा गुस्सा अगर कहीं रात रात में उतर गया उसके ऊपर, तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो तो अगर आ भी गया भारत, तो पंजाब नहीं जाएगा फिलहाल, जब तक केजरी जेल में है। तो गजब बात कर रहे सर, तो पंजाब का प्रभारी है वो, अब खत्म सुपर हो चीफ सब काम। मिनिस्टर उसे केजरी ने बनाया था। हाँ तो पंजाब में चुनाव होने जा रहे, प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है, वो गायब है ना, वो ट्विटर पे है ना यहाँ आ रहा, तो वो अपना हश्र जान रहा है। चलिए, मतलब वो ज्यादा शातिर निकला, इसीलिए उसने पतली गली पकड़ ली। मतलब इसका मतलब लग रहा कि यदि बाहर रहा तो जेल से बच जाएगा, उसकी दुर्गति अतिशी मार लेना सौरभ हाँ भारद्वाज और सिसोदिया जैसी नहीं होगी। आप परसों नरसों में मनीष जी इस बात को कहा था कि अब वो लौट के नहीं आने वाला, पक्का है। वो तेज है, चार्टर अकाउंटेंट, उसे पता है सब पाप कैसे पूरा खेल हाँ ये इसके ये पीछे, ये तो उसे तो सब कुछ पता होगा कि हाँ कहाँ पाप हुआ है, कहाँ ज्यादा नोचा गया है। इसीलिए वो उसने अपने मिसे चड्डी को ले चड्डा को लेकर के निकल लिया किनारे, और बचने की पूरी उपाय, उसको पूरा पता था कि मार्लेना भी जाएगी, सौरभ भारद्वाज भी जाएगा और बांका ये गहलोत भी जाएगा, इसीलिए और इनकी सबसे सब चालाक। इनकी सब इस दुर्गति दुर्दशा की चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि चुनाव है। चुनाव
4 जून 2024 के बाद पुलिस इन पर डंडे बजा रही है, इनको तियाड़ ले जा रही, उल्टा लटका के ले जा रही, हथकड़ी पहना के ले जा रही, देश इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा। अभी तो चुनाव है तो ये थोड़ी बहुत इनको मिल रही है कवरेज। बिल्कुल सर, आज कौन मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह की चर्चा करता है, तो केजरी का भी कुछ महीनों बाद यही दुर्गति हो जाएगी। लोग भूल जाएंगे कि एक चिरकुट सा व्यक्ति जो इतना नाटक करता था, 36 नंबर का शर्ट पहनने वाला बौना 46 नंबर का शर्ट पहनता था, ये तमाम चीजें गौन हो जाएगी। केजरीवाल वहां चला जाएगा जहां इसकी असली जगह है, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद।